नमाजें तो पढ़ी जा सकती हैं कोई ऐसा मसला नहीं है इन शाली जब हुकूमत ने नहीं रोका जब हुकूमत ने रोका था तब तक ठीक था जब उन्होंने उन्होंने थोड़ी सी खुली छुट्टी दी है तो हम लोग भी एहतियात के साथ ये हमारा एम डी का यही तो काम है कि पूरी तरह कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए ना ये कि जो रिस्ट्रिक्शन हैं उनको भी अमल ना करें बाज़ारों में फिर नहीं फिरना चाहिए बाज़ारों में फिरने से रोकना चाहिए और नसीहत करते रहना चाहिए जमात के अफराद को हर मुरबी को अपने अपने इलाके में कि बिला वजह सड़कों पर ना फिरें गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है पार्क में जाना है तो वहाँ भी अपना पूरा जो सोशल डिस्टेंस वगैरह का उन्होंने वादे तौर पर हदायत दी हुई हैं उसके मुताबिक काम करें हैं बाकी बाकी है कि नमाज़ों पर तो आ सकते हैं और वहाँ आके तो फासले से पढ़नी है तो इन श्रा तीक है जान आप लोग तो भी रखते हैं कि जान लेके आए साथ अपने अपनी अपनी जान साथ लेके आया करें या कपड़ा लेके आया करें सजदे की जगह पर रखने के लिए कम अज़ कम दूसरी ये है कि मस्जिदों में जो कारपेट हैं उनके ऊपर रोज़ाना हुर फिरना चाहिए वो भी ड्यूटी लगाएँ किसी न किसी खादम की कि मस्जिदें इन दिनों में ख़ास तौर पर रोज़ाना साफ हों और मस्जिद में रोज़ाना सुबह को या शाम को बेहतर यह है कि शाम को धुनी दी जाए रात को जब ईशा की नमाज़ पढ़ा लें तो फिर धुनी देने का इंतजाम हो हर मस्जिद में धुनी दी जाए वहाँ मिल जाती है धुनी आजकल तो आपको ईस्ट लैंड में तो हर जगह मिल जाती है साउथ हॉल में मिल जाती है बल्कि धुनी लेके तो मस्जिद में धुनी देनी चाहिए मस्जिद बंद करें धुनी देने के बाद अच्छी तरह जहाँ फायर अलार्म लगे हुए हैं वहाँ पहले आपको पता होना चाहिए कि फायर अलार्म है और धुनी दे रहे हैं तो उसका इंतज़ाम पहले ही कर लें ठीक है